सिर्फ एक चीज करने से एक दो तीन चार पांच पांच चीजों का फायदा हो रहा है। तुम ज्यादा लिखोगे तो टीचर ज्यादा चेक करेगा तो ज्यादा उसमें गलती निकलने के चांसेस बने रहेंगे। डिपेंड ये करता है कि तुम लेके पूरा सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित दरवान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे प्रैक्टिकली को यहाँ पे मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं कोई भी थ्योरेटिकल बातें नहीं करने वाला हूँ कि ये वाली बुक कर लो, ये वाले पेपर कर लो, ये बुक कर लो, रिवाइज कर लो ये वाली बुक तो 95 आ जाएंगे। ऐसे बुक रिवाइज करने से 95 आ रहे होते तो लाइन लग जाती 95 वालों की। ठीक है, कोई भी थ्योरेटिकल बातें नहीं करेंगे, सारी प्रैक्टिकल बात करेंगे कि क्या ऐसी चीज है जो करनी है, क्या ऐसी चीज है जहां पे तुम लैक करते हो। ऐसा होता है ना यार कई बार कि भाई कुछ बच्चे इंग्लिश में कमजोर होते हैं, है ना। स्पेशली अगर हम लड़कों की बात करें, उन लड़कों में मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूं। मेरी कोई इंग्लिश इतनी हाई फाई और स्पीकिंग इंग्लिश इतनी तगड़ी नहीं थी, बट फिर भी नंबर आ जाते थे। डिपेंड ये नहीं करता कि तुम्हारी कितनी अच्छी इंग्लिश है, तुम्हारी जो स्पोकन इंग्लिश है वो अच्छी है या नहीं, या फिर तुम हाई फाई इंग्लिश लिख सकते हो या नहीं, इस पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ये करता है कि तुमने किस लेवल की तरीके या फिर किस स्मार्ट वर्क से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये सब चीजें तुमने दिमाग लगा के पढ़ी है या फिर जैसे एवरेज बच्चा पढ़े जा रहा है, बस लिया और सिलेबस पढ़ते चला गया, ऐसे पढ़ रहे हो। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क जो है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे और हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इसे कर सकते हैं। जो तुम्हारा ये लेटेस्ट नया पैटर्न आया है इसके लिए कुछ कुछ तरीके मैंने निकाले हैं, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। मेरे को पता है यार चैनल पे वीडियोस थोड़ी लेट आती हैं, लेट आने का रीजन यही है, मेरा एम बदल चुका है यार। एम अब ये नहीं है कि वीडियोस की लाइन लगानी है, एम ये है कि चाहे हफ्ते में या महीने में एक वीडियो आए पर वो वीडियो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे अगर बच्चा 20 मिनट दे रहा है ना तो 20 मिनट देने के बाद बच्चे को लगे वाह यार मैंने आज का जो दिन है उसमें 20 मिनट अच्छे गए, मेरा दिमाग खुला वीडियो देख के। ठीक है, तो एम ये रहता है, इसलिए थोड़ी वीडियोस कम आती हैं। इस पे आते हैं वापस, ये तुम्हारा पैटर्न है। ठीक है, दो पार्ट में तुम्हारा पेपर आएगा, ये सब चीजें यहां पे मैं इसको डिस्कस करने वाला नहीं हूं, तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, सीधा पॉइंट पे आते हैं। अब भाई अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं तुम्हें एक चीज कह रहा हूं कि बस ये कर लो और तुम्हारे अप टू 60 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, अच्छा सा लग रहा है थोड़ा कि भाई एक चीज कर लो बस 60 मार्क्स तक हो सकते हैं, बताऊं वो? सबर करो, बताता हूं रहा नहीं जाता। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो अब वो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले एक चीज समझो कि जो तुम्हारा पार्ट ए है उसमें रीडिंग वाला जो पार्ट है उसमें सबसे पहली चीज आती है तुम्हारी अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आज से पहले, इस साल से पहले जो आते थे वो क्या थे कि भाई तुम्हारा यहाँ पे अनसीन पैसेज लिखा है और यहाँ पे तुम्हारे चार क्वेश्चन लिख दिए, इन चार क्वेश्चन के आंसर अनसीन पैसेज में ही छुपे हुए हैं, है ना। हम जब रीडिंग वाला टाइम मिलता था 5 मिनट, उसमें हमने देखा, जल्दी से रीड करा और पहला क्वेश्चन पढ़ा, अच्छे इसका आंसर ये है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे बना लेते थे ना कि यहाँ से यहाँ तक ए वाले पार्ट का आंसर, यहाँ से यहाँ तक बी वाले पार्ट का आंसर, और उसको छाप देते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा है। इस साल इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे, ये तो सीधा सीधा छाप रहे आंसर, कुछ अलग करते हैं। इन्होंने क्या करा है कि अब जो अनसीन पैसेज है उसमें से डायरेक्ट तुम्हें आंसर नहीं मिलेंगे, अब तुम्हें अनसीन पैसेज को अच्छी तरह समझना पड़ेगा, तुम्हें इसको, इसकी जो थीम है, इसकी जो स्टोरी लाइन है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान से समझना पड़ेगा, फिर ही तुम इनके आंसर दे पाओगे और साथ में एमसीक्यू होंगे। ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, बच्चे बोल रहे थे कि भैया एमसीक्यू में अलग अलग ऑप्शन सेम लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो अब अनसीन पैसेज ऐसा आ रहा है कि तुम्हें उसकी थीम पता होनी चाहिए, तुम्हें उसके में डीप जाना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात आ गई। अब भैया बच्चे से डर गए, तो मैंने कहा कुछ तो निकालते हैं इसके लिए, है ना, कुछ तो इसका तोड़ हो गई। सीधा सीधा मैं बताने वाला हूं, ठीक है, अगले 2 मिनट शायद तुम्हें ऐसा लगे कि कोई लिंक नहीं बैठ रहा है, ठीक है, ध्यान से बस सुनते रहना, थोड़ी देर बाद हर चीज कनेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस पर विश्वास रखना, 2 मिनट तक ध्यान से सुनो। भाई मैंने तुमसे एक बात बोली कि भाई जो तुम्हारे चैप्टर्स होते हैं ना, जो तुम्हारे लिटरेचर में चैप्टर्स होते हैं उन्हें तुम कैसे पढ़ते हो। आजकल क्या है ना, जमाना यह आ गया है कि बच्चे क्या करते हैं, या तो कोई वीडियो लेक्चर देख लेंगे यूट्यूब पे, है ना, या फिर हम कहेंगे कि भाई ये वाला चैप्टर इसकी समरी पढ़ लेते हैं, है ना, ऐसा होता है। मैं तुमसे अगर ये कहूं कि तुम्हें चैप्टर को रीड करना है लाइन बाय लाइन, अरे भैया आप वही बात बोल रहे हो, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, ध्यान से सुनते तो रहो, ऐसी बात नहीं है, बहुत ज्यादा डीप है। मैं अगर तुमसे कहूं कि तुम्हारा जो ये चैप्टर है उसको तुम्हें लाइन बाय लाइन रीड करना है, उसके बाद मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे दिए, उन क्वेश्चन के जो आंसर है वो इसी चैप्टर में है, डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेंगे आपको, आपको आंसर को लिखने के लिए चैप्टर में डीप जाना पड़ेगा, उसकी थीम को समझना पड़ेगा, उसके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि मैंने क्या कहा कि तुम्हारा लिटरेचर का या फिर कोई भी जो तुम्हारी बुक है, जो एनसीईआरटी की बुक है, दो बुक है ना तुम्हारी, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट, उनमें से मैंने कहा तुम्हारा एक चैप्टर है, मान लो चैप्टर नंबर 1, ठीक है, उस चैप्टर नंबर 1 को तुम्हें पढ़ना है और मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे दिए, उन क्वेश्चन के आंसर तुम्हें पढ़ने के बाद ही निकलेंगे। कुछ कुछ दिमाग में आ रहा है, कुछ कुछ दिमाग में आ रहा है,
इससे हमारा फायदा क्या हो रहा है? अगर तुम ये जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चन को चैप्टर में से पढ़ के निकालो तो तुम कितनी सारी चीजें देख रहे हो, तुम कितने सारे मार्क्स अक्वायर कर रहे हो वो समझो। ये चीज सेम लग रही है, ठीक है? वहां पे तुम्हारा एक अनसीन पैसेज होगा, तुम्हारे पास एक पैसेज होगा और कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें जिसके आंसर इसी में से निकलेंगे, ठीक है? यहां भी एक तरह से तुम्हारे लिए वो अनसीन है क्योंकि आज तक तुमने रीड तो करा नहीं। बहुत कम बच्चे होते हैं, अगर तुमने कर रखा है तो वेल एंड गुड, और बहुत कम बच्चे होते हैं जो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को रीड करते हैं। तुमने रीड करा और उसके क्वेश्चन दिखा ले, थोड़ा थोड़ा सिमिलर बैठ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे तुम्हारी चार चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। पहली चीज जो कि शायद तुम्हारे टेंथ में काम ना आए बट लाइफ लॉन्ग काम आएगी, वो क्या है कि तुम्हारी जो रीडिंग वाली एबिलिटी है, जो रीडिंग पावर है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं ये शायद टेंथ में तुम्हें इतनी अहमियत ना लगे, बट यार जब आगे हम निकलते हैं ना, स्कूल से बाहर निकलते हैं, तो जो बुक रीडिंग की जिनको आदत होती है ना, वो तुम मान सकते हो पूरी भीड़ से ऊपर होते हैं, ठीक है? बुक्स में इतनी पावर होती है। तो पहली चीज तुम्हें रीडिंग की आदत लग जाएगी। साथ ही साथ तुम ये देख सकते हो कि तुम्हारा जो रीडिंग वाला सेक्शन है, ये इसकी प्रैक्टिस अपने आप ही हो रही है, ठीक है? बहाने से मैंने तुम्हें क्वेश्चंस दिए, ठीक है, इनडायरेक्टली मैं तुम्हें सिर्फ उसके लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से जो रीडिंग पार्ट है, जो अनसीन पैसेज वाला पार्ट है, उसके 20 नंबर तुम्हारे यहां से आ रहे हैं। ग्रेट, यहां तक समझ में आ गया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं लिटरेचर वाला, तुमने तो चैप्टर सारे पढ़ लिए हैं, चैप्टर सारे पढ़ लिए तो मतलब अब तुम्हें चैप्टर की एक एक लाइन पता है, समझ रहे हो बात को? तो तुम्हें अब चैप्टर की एक एक लाइन पता है, तो तुम्हारा जो लिटरेचर वाला रीडिंग सेक्शन पार्ट ए जो है, उसका लिटरेचर वाला पार्ट हो गया, तो यहां से तुम्हारे और 10 नंबर आ गए, ठीक है? क्योंकि तुमने लाइन लाइन पढ़ रखा है। अब अगर मैं बात करूं आगे की, तो तुम्हारा ये वाला जो पार्ट है लिटरेचर का, ये भी हो गया, जो तुम्हारा लिटरेचर का पार्ट बी वाला है, कितने नंबर का? 30 नंबर का। इनडायरेक्टली होते जा रहे हैं, तुमने कुछ करा नहीं है, तुम प्रैक्टिस कर रहे थे इन क्वेश्चंस को निकालने की, ठीक है? भैया ने बोला था कि भैया क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये क्वेश्चंस को मेरे को निकालना है, तुम इस चीज को कर रहे थे, बट साथ ही साथ तुम्हारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक और चीज हो गई, अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने एक चीज बताई थी कि आप इसके साथ साथ एक और चीज कर रहे हो, आप फॉरगेटिंग कर्व को ब्रेक कर रहे हो। क्यों? क्योंकि भैया क्वेश्चन जो है ये चैप्टर से ही निकले हैं, ठीक है? साथ ही साथ जब तुम चैप्टर पढ़ोगे कुछ क्वेश्चंस और ऊपर बनाओगे, है ना? करते हो ना वो चीज जो मैं बताता हूं कि स्मार्ट मार्क में ये करना होता है कि ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम करने होते हैं, जिससे कि बाद में हम पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ते हुए चले जाएं और अपने आप आंसर निकाले, हम रिकॉल करें, तो फॉरगेटिंग कर्व भी हम ब्रेक कर रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि सिर्फ एक चीज करने से 1 2 3 4 5 चीजों का फायदा हो रहा है। नंबर कितने हो गए? 30 10 40 और 20, कितने हो गए? टोटल 60 नंबर हमारे, 80 में से 60 नंबर तो यहीं पे आ गए हमारे, ठीक है? इतना करने से 80 में से 60 नंबर हमारे हो गए हैं। हाँ, ये तुम्हें ऐसा लग सकता है कि भैया ऐसे कोई हो जाते हैं, अभी धीरे धीरे बताता हूं। अब भैया ये क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे जो आप ये कह रहे हो? ये क्वेश्चंस भी तुम्हारे लिए मैंने निकाल दिए हैं, ठीक है? इसी पे तो काम चल रहा था यार इतने दिनों से, कि बीच बीच में से क्वेश्चंस निकालने हैं, जिससे कि जब तुम प्रैक्टिस करो तो इन क्वेश्चंस के आंसर निकालो इनमें से। तो ये क्वेश्चंस मैंने चैप्टर वाइज तुम्हारी एक पीडीएफ में बना के दे दिए हैं, तुम्हारा चैप्टर जो तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट है इस वाली बुक के, और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इसके भी अलग अलग एक पीडीएफ है, लिंक नीचे तुम्हें मिलेगा उसका, ठीक है? अभी भागो मत, रुक जाओ, ठीक है? रुक जाओ, अभी आगे बहुत ज्यादा वीडियो है, अभी और सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो ये जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, इसकी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएंगी। हर एक चैप्टर के लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ठीक है? चैप्टर पढ़ना, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उसको निकालने की कोशिश करना बीच में से, ठीक है? और मैंने उसके साथ साथ क्वेश्चंस के साथ साथ पेज नंबर भी लिख दिया है कि अगर तुमसे ना निकले, मान लो भाई किसी कारणवश नहीं हुआ तुमसे वो क्वेश्चन, तो तुम उस वाले पेज पे, हिंट है कि भाई ये वाला पेज है और यहाँ पे है, तो यहां से भी तुम निकाल सकते हो आंसर, ठीक है? मेहनत लगी है इस चीज में। तो ये हो गया तुम्हारा स्मार्ट वर्क पहला। अब आगे बढ़ते हैं भाई, हमारा रीडिंग वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट हो गया, ये अभी हम और डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। चलो ठीक है, हमने ये चीज तो कर ली, बट हमने अभी तक अनसीन पैसेज का तो रिवीजन करा ही नहीं, हमने ये तो चीज देखी थी, हमने तो बस लिटरेचर पढ़ी है ना। तो इसका रिवीजन एक तो तुम कर सकते हो, जो कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर निकाला है, ठीक है? वो सैंपल पेपर सबके पास होगा, वो डाउनलोड कर लेना, नेट पे पड़ा हुआ है। साथ ही साथ तुम जो पब्लिकेशंस के सैंपल पेपर आते हैं वो भी खरीद सकते हो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इंग्लिश में मैं इसीलिए जीता था क्योंकि मैंने खूब सैंपल पेपर लगाए थे, ठीक है? मैं फैक्ट बता रहा हूं, मैंने खूब सैंपल, मेरे क्या था कि मेरी स्पीड बहुत कम थी भाई। पहली बार मैंने सैंपल पेपर लगाया, 4 घंटे लग गए मेरे को सैंपल पेपर करने में, तो मैं डर गया, मैंने कहा यार 4 घंटे वहां पे कैसे होगा? तो मैंने वहां वो 4 घंटे जो वहां लगने थे वो मैंने पहले ही घर पे लगा दिए। दूसरी बार करा, वापस 4 घंटे लगे। तीसरी बार करा, 3.5 घंटे में हुआ। फिर करा, फिर जाके 3.5 घंटे में, फिर 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो कम होते गया। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं 2.5 घंटे भी पेपर कर सकता था,
ठीक है। तो जब मैं वो कॉन्फिडेंस लेके गया अंदर एग्जाम हॉल में कि मैं तो ये 2.5 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा, मेरे को आधा घंटा रिवीजन के लिए मिल जाएगा, उस कॉन्फिडेंस की वजह से और अच्छा पेपर हो गया। ठीक है, तो सैंपल पेपर यार एक ऐसी चीज है जो कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्ड कर देंगे। और साथ ही साथ ये जो नई चीजें आई हैं इस साल, ये अनसीन पैसेज नए तरीके का, और तुम्हारा ग्रामर में कुछ चीजें आई हैं, राइटिंग में ये वाला पार्ट आया है, ये सारी चीजें तुम्हारे सैंपल पेपर अभी आगे भी डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर के बारे में और ज्यादा डीप। अब आते हैं इस वाले पार्ट में, राइटिंग में। भाई राइटिंग में सबसे पहली चीज आती है लेटर। लेटर भाई साहब बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। हर साल यही चीज आती है, चार तरीके के तुम्हारे लेटर हैं, फॉर्मेट एक ही रहता है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट तुम ले लेना, है ना। ये फॉर्मेट रहता है तुम्हारा सेम, इसी फॉर्मेट में तुम्हें इस साल पेपर लिखना है, कोई गलती नहीं है, ये फॉर्मेट बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर उसके बाद जो तुम्हारे चार तरीके के लेटर्स हैं, वो चार तरीके के लेटर्स भी मैं नीचे पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। उसका तुम ये मान सकते हो कि मान लो तुम्हारा जो लेटर है वो 100 नंबर का है, ठीक है, तो उन 100 में से तुम्हें मैं पहले 40 से लेके 50 वर्ड तो मैं ही दे रहा हूं तुम्हें। क्या होता है कि मान लो लेटर कंप्लेंट वाला लेटर है या फिर प्लेसिंग ऑर्डर वाला लेटर है, उसमें कुछ लाइंस होती हैं जो कि फिक्स होती हैं, जो हर लेटर में फिट बैठ जाती हैं, तो वो लाइंस पहले से रट के चले जाओ, ठीक है। तो 40-50 वर्ड्स तो तुम्हें पहले रटे पड़े हैं, वहां जाके तुम्हें और 40-50 वर्ड्स और बनाने हैं, समझ लो। तो वो जो वर्ड्स हैं जो कि फिक्स होते हैं वो भी मैं नीचे तुम्हें पीडीएफ में दे दूंगा, अब यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा टाइम तुम्हारा वेस्ट होगा। तो ये चीज तो तुम्हारी लेटर समझ में आ गया। नई चीज जो है वो एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है, ये एक नई चीज आई है, निहायत ही आसान चीज है भाई साहब। मैं देख के खुश हो गया, मैंने कहा ये क्या है, ये तो फ्री के 5 नंबर बट रहे हैं, तुम्हें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर किसी को पता है तो वो इस टाइम स्टैम्प पे चले जाना, ठीक है, स्किप कर सकते हो एनालिटिकल पैराग्राफ वाला पार्ट, इस वाले टाइम स्टैम्प पे चले जाओ। जिसको नहीं पता मैं उसको समझा देता हूँ, मैं पहले तुम्हें ना लेमैन भाषा में समझाता हूँ जल्दी से, ठीक है, मैं ज्यादा भी डीप नहीं जाने वाला हूं। मैंने सीबीएसई का जो सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज करा था उसका क्वेश्चन लेके चलता हूँ, ठीक है। हमें ये ग्राफ दिया गया था, ये क्वेश्चन था तुम्हारा, हमें ग्राफ दिया गया था कि भाई एक जगह है ऋषु नगर, ठीक है, उसमें 2015 में ये जो है तुम्हारा ये स्मार्टफोन है जो हल्का सा है, और जो डार्क वाला है वो कंप्यूटर है। तो स्मार्टफोन इतने बिके हैं, कंप्यूटर इतने बिके हैं, ठीक है, 16 में इतने बिके हैं स्मार्टफोन, इतने कंप्यूटर बिके हैं। हम ये देख सकते हैं कि 17 में कंप्यूटर ज्यादा बिके हैं और स्मार्टफोन कम बिके हैं, फिर उसके बाद वापस कम हो गए कंप्यूटर, फिर स्मार्टफोन ज्यादा, फिर वापस स्मार्टफोन ज्यादा हुए, कंप्यूटर कम हो गए, ठीक है। ये जो चीज मैंने अभी तुम्हें हिंदी में बोली है ना, इसको इंग्लिश में करके लिखना है, सिंपल इतनी सी बात है, ठीक है, देख सकते हो तुम। अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा लार्ज नंबर ऑफ डिजिटल डिवाइस वर परचेज इन ऋषु नगर अक्रॉस 15 से 19, तो 15 से लेके 19 में काफी ज्यादा हम देख सकते हैं कि स्मार्टफोन और जो कंप्यूटर है वो बिके, है ना। डेटा इंडिकेट्स, सबसे पहले लिख दो कि 2015 में अराउंड 45,000 तो भाई स्मार्टफोन बिके और कंप्यूटर अराउंड 35,000 बिके, ठीक है, ऐसे बोल दो कि भाई हम ये देख सकते हैं कि 15 में ज्यादा स्मार्टफोन बिके हैं, कम कंप्यूटर बिके हैं। फिर हम बोल देंगे 16 में भी वही हुआ, ज्यादा थोड़े स्मार्टफोन बिके फिर कंप्यूटर, पर 17 में एकदम सब चीज चेंज हो गई, स्मार्टफोन ज्यादा, कंप्यूटर ज्यादा बिके, स्मार्टफोन कम बिके, ये चीज ही यहां पे लिख रखी है बस, ठीक है। तो ये फ्री के 5 नंबर है, जो चीज तुम्हें दिख रही है बस वो साफ साफ लिखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। और लास्ट में एक लाइन लिख देंगे कि भाई हम ये देख सकते हैं कि डिजिटल डिवाइसेस जो है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, लोग ज्यादा डिजिटल हो रहे हैं, ये चीज हमने यहां से कंक्लूड करी। तो सबसे पहला हो गया कि गिवन ग्राफ ये चीज दिखाता है, दूसरा हर एक पॉइंट को समझा दो कि पहला 2015 में ही हुआ, 16 में ही हुआ, 17 में ही हुआ, लास्ट में कंक्लूडन कर दो कि भाई ये हुआ और ज्यादा डिजिटल डिवाइस लोग यूज कर रहे हैं, समझ में आई। लेमैन भाषा में हो गया, अब थोड़ा सा ज्यादा जो प्रोफेशनल भाषा होती है उसको देख लेते हैं। फॉर्मेट क्या रहेगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेन सब्जेक्ट, ग्राफ इन 1-2 लाइंस, इसकी पीडीएफ भी मैं नीचे दे दूंगा, ध्यान से पढ़ लेना जो भी मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बॉडी में हम लिखेंगे एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट द ग्राफ इज अबाउट, यूज रिलेवेंट फिगर्स, एक्सप्लेन ट्रेंड्स, मेक कंपैरिजन कंट्रास्ट कि भाई इसमें इतने बिके, इसमें इतने बिके, फिर इसमें इतने बिके, इसमें इतने बिके, वही कंपैरिजन ही करा था हमने भाई, 15 में स्मार्टफोन ज्यादा बिके हैं, कंप्यूटर कम बिके हैं, 16 में ज्यादा बिके हैं, कम बिके हैं, फिर ज्यादा कंप्यूटर बिक गए, फिर कम स्मार्टफोन बिक गए, समझ रहे हो। कंक्लूजन में कंक्लूड कर दो, एक लाइन में पूरी समरी दे दो कि भाई हम ये देख सकते हैं डिजिटल ज्यादा हो गया। अब कुछ पंचलाइंस हैं, पंचलाइंस मतलब कि तुम ये लाइंस यूज कर सकते हो, ठीक है, ये ज्यादातर यूज होते हैं, जैसे कि द टेबल सजेस्ट और जो तुम्हारा द लाइन और पाई बार ग्राफ शोज, तो ये कुछ लाइंस हैं, जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि जो तुम्हारा लेटर राइटिंग है उसमें मैंने कुछ लाइंस तुम्हें दे रखी है, इसी तरीके से मैंने इसमें कुछ लाइंस दे दी कि अगर हो जाए तो ये यूज कर लेना, एक बार पढ़ के चले जाना, क्या पता स्ट्राइक कर जाए। ऐसे तुम्हारी बॉडी जो वाला पार्ट है उसमें कुछ पंचलाइंस ये हो गई। फिर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए एक्स परसेंट ऑफ एक्स बाय वाई ऑफ नियरली 1/4 बिके, ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं ना कि भाई ऑलमोस्ट इतने परसेंट बिके, तो ये ही सब बातें हैं। मैं वो कह रहा हूँ कि हम इसमें ज्यादा प्रोफेशनल होंगे तो तुम्हें मुश्किल लग सकता है, मैंने जो लेमैन भाषा में तुम्हें यहां समझाया था ना वो समझ लो। इसका भी जो ये पीडीएफ है ये पूरा भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा, ठीक है।
एक दो क्वेश्चन तुम सैंपल पेपर में भी करोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस तरह से आ रहा है और इतनी कोई बड़ी बात है नहीं है। ठीक है, अब सैंपल पेपर कौन से करें भैया? सैंपल पेपर यार मैं फिर बोल रहा हूं, है ना, हर वीडियो में बोलता हूं कि भाई सारे पब्लिकेशन अच्छे होते हैं, सारे पब्लिकेशन अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट था मैंने उसका नाम लिया था, है ना, ये वीडियो भी एक बनाई थी मैंने, उसमें मैंने बताया था कि भाई मैंने सारे देखे थे, मेरे को ओसवाल का अच्छा लगा था। डिपेंड ये नहीं करता कि तुम कौन सी पब्लिकेशन की ले रहे हो या कौन से ले रहे हो, डिपेंड ये करता है कि तुम लेके पूरे सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, बुक तो हम हजार ले सकते हैं यार, कौन सी बड़ी बात हो गई, बात आती है सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, तुमने ले रखे हैं तुम वही सॉल्व करो। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे लेने हैं तो तुम ये वाले ओसवाल वाले कंसीडर कर सकते हो। नए ले रहे हो तो भाई मैंने जो देखा मेरे को जो अच्छा लगा, ठीक है, मेरे को किसी ने बोल नहीं रखा कि तू ओसवाल का नाम ले, मेरे को जो अच्छा लगा मैंने ओसवाल का देखा था, मेरे को काफी ज्यादा सही लगे थे। ठीक है, तो अगर तुम्हारा मन करे तुम वो भी ले सकते हो, बट ले रहे हो तो पूरे करना, बस ये बात है। ठीक है, ढेर नहीं करना हमें बुक्स का, समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करें लिटरेचर वाले पार्ट की। ठीक है, अनसीन पैसेज ये रीडिंग हो गया, लिटरेचर हो गया, ये राइटिंग वाला पार्ट हो गया। चलो पहले ग्रामर पढ़ ले, ग्रामर वाला देख लेते हैं। ग्रामर में तुम्हारे तीन क्वेश्चन आएंगे, 3+3+4। अब भैया ग्रामर के लिए कुछ बताओ क्या ट्रिक्स हैं? कोई एज सच कोई ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, ग्रामर में पहली चीज जो मैंने देखी है वो ये है कि जो बच्चा बचपन से अच्छी तरह ग्रामर पढ़ता हुआ आ रहा है, जिसका बेस स्ट्रांग है, वो ग्रामर बहुत आराम से कर लेगा, उसे कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा कड़वा लग सकता है बट हाँ बात सही है। दूसरा, जो तुम्हारे 10 नंबर है ना उसमें से 5 नंबर तो तुम्हारे ऐसे कॉमन सेंस से आ सकते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन दिए हैं उनको लगा के देखो। ठीक है, चार ऑप्शन है, चारों बिठा के देखो, जो उनसे अच्छी लग रही है, जो सी ऐसी लग रही है कि ये फिट बैठ रहा है भाई, ये तो कॉमन सेंस हम देख सकते हैं कि ये लाइन अच्छी बन रही है, तो वही आंसर होता है। ठीक है, ज्यादातर ऐसा होता है। तो तुम ग्रामर के लिए क्या कर सकते हो, पहली चीज तो कॉमन सेंस है, 5-6 नंबर आराम से आ जाते हैं। दूसरी चीज, काफी वीडियोस हैं यार मैंने यूट्यूब पे देख रखी हैं, जो कि तुम्हारे जितना भी तुम्हारा आ रहा है ग्रामर में जो तीन क्वेश्चंस हैं, उन तीन क्वेश्चन उन तीन पार्ट्स को उन्होंने कुछ ट्रिक्स बता रखी हैं। ठीक है, वो ट्रिक्स कई बार काम आ जाती हैं, तो तुम वो वीडियोस देख सकते हो ग्रामर के लिए। ग्रामर के लिए ऐसा कुछ बैठ के तैयारी करना ये कोई सेंस नहीं बनता है, ऐसा होता भी नहीं है, समझ रहे हो। जब मैं देता था मैं भी सिर्फ ठीक है यार आएगा देख लेंगे, कॉमन सेंस से आंसर लगा के आ जाते थे, समझ गए। तो ग्रामर इतना कोई बड़ा पार्ट नहीं है, यहां पे हम बात आ गई, मेरे को लिटरेचर को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है तुम्हें, वो समझो। लिटरेचर तुम्हारे 30 नंबर की आएगी, हमें लिटरेचर का कॉन्सेप्ट पता है क्योंकि हमने हर एक चैप्टर यहां पे पढ़े हैं, समझ रहे हो बात को, हमें लिटरेचर के कॉन्सेप्ट तो पता ही है, हमें लिटरेचर की पूरी स्टोरी लाइन पता है हर एक चैप्टर की, हमें पूरे लिटरेचर की थीम पता है हर एक चैप्टर की। बट शॉर्ट आंसर एक 8 नंबर के आएंगे, एक 12 नंबर के आएंगे। ठीक है, इसमें कुछ शॉर्ट आंसर होंगे 8 नंबर का और एक 12 का, ये तो तुम आराम से लिख लोगे। बात आती है लॉन्ग आंसर्स की, लॉन्ग आंसर जो है ना उसके लिए मेरे को तुम्हें कुछ स्मार्ट तरीके डिस्कस करने हैं। पहली बात तो जितने भी ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स को करने के लिए सबसे पहला काम जो होगा वो होगा तुम्हारा जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं तुम्हारे एनसीईआरटी में, जो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है वो, और जो तुम्हारी बैक एक्सरसाइजेस है वो दोनों क्वेश्चंस तो आराम से पढ़ के जाना। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं रटना नहीं है, तुम्हें थीम पता चल गई है, तुम एक बार बस देख लेना कि अच्छा इस तरह से आंसर को फ्रेम करा गया है, समझ में आ गई बात। दूसरी बात मेरे को यह बतानी है कि जो लॉन्ग आंसर्स हैं इसमें कभी भी समरी मत लिखना यार। मैक्सिमम बच्चे ये होते हैं कि भाई जाके समरी लिख के आ जाते हैं कि भैया हमें तो कुछ समझ नहीं आया, हमने समरी लिख दी। सबसे गलत चीज है ये, कभी भी समरी हमें जो तुम्हारे बड़े आंसर्स होते हैं, लॉन्ग आंसर्स होते हैं, उसमें समरी नहीं लिखनी होती। पहली बात तो ये ध्यान रखो, अगर तुम्हें समरी लिखनी भी है तो बिल्कुल स्टार्टिंग में मत लिखो, स्टार्टिंग में पहले जो तुम्हें लाइन दी गई है। कई बार क्या होता है जो तुम्हारे लॉन्ग आंसर्स होते हैं उसमें होता है कि इस वाले लाइन को डिस्क्राइब करो इन रेफरेंस टू दिस चैप्टर, तो पहले उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो उसके बाद समरी चेप दो। पर स्टार्टिंग से ही तुम भाई टीचर देख रहा है कि अच्छा इसने तो समरी लिखनी स्टार्ट कर दी, वो पहले ही काट देगा। बट अगर उसे लगेगा अच्छा थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करा फिर उसके बाद समरी लिख दी तो ठीक है थोड़ा नंबर दे देगा, अगर बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया तो ऐसा कर सकते हो, समझ रहे हो बात, समरी नहीं लिखनी। अगली बात, वर्ड लिमिट पे स्टिक रहना है। ये बात तुम्हें बहुत लोग बताएंगे कि वर्ड लिमिट पे स्टिक रहना है, बट स्टिक रहना है ये काट क्यों दिया मैंने, काटने की आदत पड़ी हुई है। ठीक है, वर्ड लिमिट में हमें स्टिक रहना है, क्यों रहना है वर्ड लिमिट में स्ट्रिक, ये खाली इसके लिए नहीं है, ये लेटर के लिए भी है, लिखकर पैराग्राफ हर एक चीज के लिए मैं बात बोल रहा हूं। अगर उसने बोला है कि 80 वर्ड में लिखना है या फिर उसने बोला है 100 वर्ड में लिखना है, अगर लिखा है 100 से 120 वर्ड तो 100 में ही खत्म करेंगे, 100 में ही खत्म करेंगे, 120 में भी नहीं जाएंगे। क्यों? तुम ज्यादा लिखोगे तो टीचर ज्यादा चेक करेगा, ज्यादा चेक करेगा तो ज्यादा उसमें गलती निकलने के चांसेस बने रहेंगे। ठीक है, तो भाई बोला है 100 में तो 100 ही लिखेंगे ना, मान लो तुमने 110 लिख दिए और आगे के जो 10 वर्ड है सारे गलत पड़े हैं तो फिर स्पेलिंग मिस्टेक आ जाएगी,
तो 100 वर्ड लिखा है तो 100 वर्ड में लिखेंगे, 80 वर्ड बोला है तो 80 में ही लिखेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? तो हम वर्ड लिमिट पे रखेंगे। लेटर में एक बात मैंने भूल गया, लेटर में हमेशा 2 जगह नंबर कटते हैं, पहला होता है तुम्हारा फॉर्मेट और दूसरा होता है तुम्हारा जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ठीक है। जो तुम्हारा टीचर होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के पूरा का पूरा लेटर पढ़ेगा, पूरे का पूरे आंसर पढ़ेगा, वो देखता है अच्छा फॉर्मेट ठीक है, अच्छा उसने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करी है, ठीक है पूरे नंबर। बहुत रेयर केस होते हैं कि पूरा बैठ के टीचर पढ़ रहा है। समझिए मेरी बात, इतना है बस, बस और कुछ नहीं है, खत्म हो गया, जाओ चलो पढ़ लो, ठीक है। बस इतनी सी चीज है, तुम्हें ये सब चीजें करनी है जो मैंने बताया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है पूरी वीडियो का कि भाई ये स्मार्ट वर्क है, इतना करने से तुम बहुत सारी चीजें क्रैक कर रहे हो खाली इतना चीज करने से, और ये चीज इतनी बड़ी नहीं है। तुम 1 घंटा लेके बैठोगे चैप्टर, आराम से हो जाएगा, और जो क्वेश्चन दिए उसके आंसर भी निकल जाएंगे, ठीक है। अगर आंसर नहीं निकल रहे तो साइड में पेज नंबर लिखा है जिससे तुम आंसर निकाल भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये सब करोगे, लेटर हो गया, एनालिटिकल पैराग्राफ हो गया, और तुम्हारा रीडिंग सेक्शन हो गया। इसके जो तुम प्रैक्टिस है वो कर सकते हो सैंपल पेपर से, सीबीएसई ने इश्यू करे हैं वो तो जरूर करने हैं, साथ ही साथ तुम 2-3 सैंपल पेपर, ठीक है, उनके जो पब्लिकेशंस वाली होती हैं वो निकाल सकते हो। मेरा पर्सनल फेवरेट ओसवाल है, तुमने और कोई ले रखे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर तुमने नहीं ले रखे हैं या फिर तुम दूसरे लेना चाह रहे हो तो तुम ओसवाल को कंसीडर कर सकते हो, मेरे को अच्छे लगते हैं। साथ ही साथ उसमें 2020 जो है ना, जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर की टॉपर्स की आंसर शीट दी हुई है, उसको जरूर पढ़ लेना। 2020 से पहले जो था वो पैटर्न चेंज था थोड़ा सा, पर 2020 वाला जो था वो ऑलमोस्ट सेम था, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस थे बट हाँ थोड़ा बहुत हम मान सकते हैं कि सेम था। तो उसमें जो 2020 वाला है वो एक बार देख लेना, ठीक है, वो तुम्हारा फायदा दे सकता है। बस इतना ही था यार वीडियो के लिए, आई होप आप सभी को कुछ ना कुछ यहां से सीखने को मिला होगा, ये चीज तो थोड़ी सीखने को मिली होगी यहाँ पे, तो ये लेटर वेटर वाली तो ऐसी बातें थी, है ना, सब लोग यही बोलते हैं, बट ये चीज अलग थी इस वीडियो में। दिमाग में रखना इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें इनपुट बहुत कम देना पड़ेगा बट उससे जो आउटपुट होगा बहुत ज्यादा अच्छा आएगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है, और जाओ पढ़ लो पढ़ लो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो जो कहते हैं ना लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, थोड़ा बहुत दोस्तों को फैला दो, हमारा भी फायदा हो जाए। चलते हैं, बाय, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो।